हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो जी, ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग की शुरुआत मेरी होती है, सबसे पहले सारे घर की विंडो और गेट वगैरह मैं सारे खोलती हूँ। फिर उसके बाद सीधे जाती हूँ किचन में और किचन में जाके एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। और एक गिलास से ज़्यादा खैर मुझसे पिया ही नहीं जाता, तो एक गिलास ही गर्म पानी पीने के बाद मैं करती हूँ घर के काम की शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने जो हरी प्याज होती है वो साफ़ करके मैंने बास्केट में रखी है धोकर। और आज जो है मैं हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और वो है उपमा। तो कल रात को ना मेरा भतीजा भी आया हुआ है, तो उसी के लिए स्पेशल मैं बना रही थी क्योंकि उसे भी बहुत टेस्टी लगता है ये। तो मैंने बताया था ना आपको कि मेरा बेटा दिवाली मनाने के लिए अपनी नानी के यहाँ गया हुआ था, उसी के साथ मेरा भतीजा भी आ गया, तो बस उसी के लिए मैं बना रही थी। तो मैंने कहा आज बुआ के हाथ का उपमा खा के देखना। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च काटी हैं और क्रंची रखती हूँ थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। और कड़ी पत्ते और राई में मैंने छौंकी है, और जो सूजी होती है ना वो हल्का सा मैंने भूनी है, सूजी ज़्यादा नहीं भूनी। फिर जो सब्जियाँ हल्की सी भुन गई थी तो मैंने उसमें सूजी डाल दी। गुप्पू कैसा लग रहा है नाश्ता? बढ़िया, टेस्टी उपमा। सही बता दिया बुआ को? अपने आप ही फोन नंबर बता रहे हो। तो यहाँ पर सबको नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो गाइज़, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे कि आप ना ब्लॉग पूरा ज़रूर देखा कीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करा कीजिए। इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ब्लॉग पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो और भी ज़्यादा मेरे अच्छे अच्छे मुझे व्लॉग बनाने का मन करेगा। अगर आपको व्लॉग में कुछ कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि मैं अपनी कमियां दूर कर सकूं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूं। क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने व्लॉग खुद देखते हैं, जैसे अपलोड करने के बाद एक बार ज़रूर चेक करते हैं कि कैसा व्लॉग बना है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी कमियां नज़र नहीं आती हैं, तो वो दूसरों को ज़्यादा नज़र आती हैं। तो आप, अगर आपको मेरे व्लॉग में कुछ कमियां नज़र आती भी हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग साफ़। तो मैं कॉलिन से मेरा साफ़ कर रही हूँ ड्रेसिंग का। तो ये मैंने ना इस बार दिवाली पे मैंने कुछ ज़्यादा ही सफाई की थी, तो वैसे तो खैर हर साल ही करती हूँ लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा डीपली मैंने सफाई की थी। तो यहाँ पर ना इसको मेंटेन करने के लिए ना, दिवाली की सफाई को मेंटेन करने के लिए मैं डेली हाथ मारती रहती हूँ हर जगह, जैसे मिरर हो गया या फिर अलमीरा हो गया या फिर ड्रेसिंग हो गया, तो इससे जो भी सफाई है ना वो मेंटेन रहेगी और ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। तो गाइस, यहाँ पर ना पूरे घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी ना, तो उसके बाद ना जो हमारे बालकनी का ना जो ग्लास है ना विंडो का, वो टूट गया था। तो इधर ना वो भैया नया ग्लास लगाने के लिए आ गए थे, तो फिर मैं उनसे यही कह रही थी, मैंने कहा भैया घर की क्लीनिंग हो गई है तब आए हो आप विंडो का ग्लास लगाने के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा होता है ना कि तोड़ा फोड़ी होने के बाद ना बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो इसीलिए मुझे ना दोबारा सफाई करनी पड़ी। ये ग्लास है ना बालकनी का, ये टूट गया था तो ये लगाया है भैया ने नया, तो काफ़ी सारा कूड़ा हो गया था बालकनी में, तो सारी दोबारा मुझे बालकनी क्लीन करनी पड़ी। तो यहाँ पर मैं जो है पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए, जो कि मैंने हरी प्याज की सब्जी मैंने मॉर्निंग में ही धो के रख दी थी। तो मैं जो है हींग और जीरे में ही मैं छौंकती हूँ हरी प्याज की सब्जी, और आलू भी डालती हूँ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा,
और इसमें मैंने फटाफट से हींग जीरा डाल के और मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी के बाद मैंने तुरंत ही मैंने लाल मिर्च डाल दी है और ज़रा देर नहीं करती मैं, तुरंत ही लाल मिर्च डाल के तुरंत ही आलू डाल देती हूँ क्योंकि फिर हल्दी जल जाती है। तो फिर इसके बाद आलू के बाद मैंने हरी प्याज डाल दी है। तो ही मैं इसे ना ढक के नहीं बनाती हूँ और तेज़ गैस पे बनाती हूँ ताकि इससे पूरा पानी जल जाता है, थोड़ा सूखी सूखी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो भी मैंने जिस बर्तन में भी मैंने ये हरी सब्जी वगैरह मैंने काटी थी ना, तो साथ ही साथ जो भी बर्तन होते हैं मैं वॉश करती रहती हूँ क्योंकि इससे ना फिर पूरी सिंक ही भर जाती है। अगर साथ ही साथ बर्तन वॉश नहीं धोएंगे नहीं ना तो सिंक भर जाती है। तो फटाफट से जिस मैंने सब्जी में मैंने काटी थी धोई थी उन्हीं बर्तनों को मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दिया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी की रोटी, और थोड़ी सी मेथी रखी हुई थी फ्रिज में तो वही मैंने आटे में गूंद ली। तो आज कहते हैं ना कि सर्दियों में ना हरी सब्जियों का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है क्योंकि, लेकिन हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो मैं तो अपनी बता रही हूँ कि ना मैं बहुत ज़्यादा हरी सब्जी बनाती हूँ और मेरे बच्चे खा भी लेते हैं। और वो अलग बात है कि अगर हफ्ते में एक बार साग बनाऊँगी ना तो वो एक दिन ऐसा आता है कि वो साग सरसों का जो साग होता है वो उब जाते हैं, बहुत ज़्यादा मन उनका भर जाता है। तो मेरा बेटा भी यही कह रहा था कि मम्मी अभी से साग बना खिलाना मत शुरू करना। तो अभी मैंने साग मैंने पहला साग जो है मैंने अभी बनाया नहीं है इस सर्दी का। तो अब की बार वेडनेसडे को मैं ज़रूर साग लेके आऊँगी मैं सोच रही हूँ। बस कहते हैं ना कि ये 2-3 महीने ही होते हैं हेल्थ बनाने के सर्दियों में, बाकी तो फिर दाल और ये सब वैसी जो गर्मियों की सब्जियाँ होती हैं वही खानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने लंच भी मैंने सबको करा दिया था। तो यहाँ पर लंच बनाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैं लगी हूँ अपने बेटे के स्कूल बोतल साफ़ करने में। और एक दो बोतल और थी उन्हें भी मैंने साफ़ किया गर्म पानी और सरफ से। तो ये ना 4-5 दिन से, 5-6 दिन से स्कूल बंद था ना मेरे बेटे का, तो टिफ़िन और वाटर बोतल बंद होने से ना स्मेल आ जाती है। तो जब कभी भी 5-6 दिन के लिए उसका स्कूल बंद रहता है ना तो मैं हमेशा उसका टिफ़िन वाटर बोतल गर्म पानी से साफ़ करके ही मैं उसको लंच और पानी देती हूँ इस। तो फ्रेंड्स ये है रात का टाइम और यहाँ पर मेरा भतीजा और मेरा बेटा ना दोनों ही मिलके पटाखे चला रहे हैं। तो आपको ना बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, हमारे यहाँ ना दिवाली के 3 दिन तक, 2-3 दिन तक ना जैसे गोवर्धन और भाई दूज के 2 दिन बाद तक हमारे यहाँ दिवाली मनी है, पटाखे चले हैं खूब क्योंकि मेरा भतीजा ना बहुत सारे पटाखे लेके आया था अपने साथ। रुक जा ए गोपू, अलग हट, चल ले अलग हट, तुम एक साथ तुम छोड़ो। लेकिन आगे तो आगे बनी बनने का दे रहे नहीं बन रहे। गोपू तेरी साइड ही आएगी चिंगारी। ये कूद क्यों नहीं रहे तुम लोग, अरे घूम क्यों नहीं रही, खुड़दर आया है वहाँ। अरे भैया इधर ना आ जाए, अड़ जा अड़ जा, 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 जा। पटेगी। अरे थोड़ा थोड़ा वेट करके जाया कर, फिर चला रहा है, घूम अभी। ए अलग 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 ए अलग अड़ जा। हमारे यहाँ ना स्पेस बहुत कम है नीचे, तो इसीलिए ना ज़्यादा भी मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी पटाखे वगैरह चलाने में। पटाखे और ये अनार वगैरह चलाने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, बड़ा ग्राउंड चाहिए तभी मज़े आते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे भतीजे का चल रहा है डांस, और इतना अच्छा डांस करता है वो, लेकिन अभी नहीं कर रहा, शर्मा रहा था वो क्योंकि वीडियो शूट हो रहा था। तो फ्रेंड्स यहीं पर मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ठीक।